कॉमन फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त डॉक्टर त्रिपाठी और आज का टॉपिक है बाइनोमियल थ्योरम। क्लास 11th से रिलेटेड टॉपिक है बाइनोमियल थ्योरम। आज हम बाइनोमियल थ्योरम में एक को करते करते एक्सरसाइज 8.1 एनसीईआरटी की फोकस करेंगे। तो पूरा जोर हमारा एक्सरसाइज 8.1 पर होगा, आप साथ साथ देखते रहें। बाइनोमियल थ्योरम में एक्सपेंशन की बात कही है, किसके एक्सपेंशन की, ए प्लस बी टू द पावर एन। ए प्लस बी, ए और बी दो टर्म है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, बाइनोमियल। और ये जो एन है, यहाँ एन जो है नेचुरल नंबर है, एन बिलोंग्स टू एन, तो इसका एक्सपेंशन होता है दोस्तों एन सी जीरो ए टू द पावर एन बी टू द पावर जीरो, एन सी वन ए टू द पावर एन माइनस वन बी टू द पावर वन, एन सी टू ए टू द पावर एन माइनस टू बी टू द पावर टू, अप टू एन सी आर ए टू द पावर एन माइनस आर बी टू द पावर आर प्लस, और जो आखिरी टर्म है वो होगी एन सी एन ए टू द पावर एन माइनस एन मीन्स जीरो बी टू द पावर एन। तो इसमें आप देखें कि क्या हो क्या रहा है। बेसिकली एक की पावर n से चालू हुई और धीरे धीरे कम हो रही है, n माइनस वन हो रही है, फिर n माइनस टू हो रही है, n माइनस थ्री, और b की पावर जीरो से स्टार्ट होकर के कहाँ तक जा रही है, n तक जा रही है। और अगर इसको समेशन के फॉर्म में लिखना चाहेंगे हम, तो वो जो ये वाली टर्म है, ध्यान से देखें, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड है, ये थर्ड है, और ये कौन सी टर्म है आपकी, ये आर प्लस वनथ टर्म है, टी आर प्लस वन। आप फिर से समझ ले, देखिए यहाँ जीरो लिखा है पर ये टर्म कौन सी है, टर्म फर्स्ट है, यहाँ वन लिखा है तो ये टर्म कौन सी है, सेकेंड है, और यहाँ टू लिखा है और टर्म कौन सी है, थर्ड है, तो यहाँ आर लिखा है तो ये आर प्लस वनथ टर्म है, इसको जनरल टर्म भी कहते हैं। तो टी आर प्लस वन इज कॉल्ड एन सी आर ए टू द पावर एन माइनस आर बी टू द पावर आर, दिस इज कॉल्ड जनरल टर्म, जनरल टर्म। तो जनरल टर्म के ध्यान से देखें, अब अगर इसको मैं समेशन के फॉर्म में लिखूंगा, तो समेशन के फॉर्म में यहां लिखूंगा मैं एन सी आर ए टू द पावर एन माइनस आर बी टू द पावर आर, और आर की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक चेंज हो रही है, जीरो से लेके, देखिए आर जीरो है, फिर वन है, फिर टू है, तो आर की वैल्यू जीरो से चेंज होती है, और चेंज होती होती कहाँ तक जाती है, जीरो से चेंज होकर के एन तक जाती है। तो ये इसका जो एक्सपेंशन है वो समेशन के फॉर्म में है, समेशन मीन्स प्लस एडिशन, तो बीच में प्लस लगाते जाएंगे, पहले जीरो रखेंगे तो ये आ जाएगा एन सी जीरो ए टू द पावर एन माइनस जीरो बी टू द पावर जीरो, फिर प्लस लगाएंगे, फिर आर की जगह वन रखेंगे तो ये आ जाएगा, फिर टू रखेंगे, और कहाँ तक रखना है हमें, अप टू एन तक रखना है। इसमें आर की वैल्यू क्या है, आर की वैल्यू जीरो से लेके क्या होती है, एन तक होती है, और आर भी एक नेचुरल नंबर है, आर बल्कि होल नंबर कहेंगे, है ना, आर को होल नंबर इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आर की वैल्यू जीरो भी है। अब ध्यान से सुनिए, n नेचुरल नंबर है, निश्चित तौर पे n बिलोंग्स टू n, और r इज अ होल नंबर। और दूसरी बात है ncr क्या चीज़ है, ncr यहाँ पर है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल, ये ncr की वैल्यू है। अब फैक्टोरियल क्या चीज़ है, तो फैक्टोरियल मेरे उम्मीद है मुझे कि आपने परम्यूटेशन पढ़ा होगा तो फैक्टोरियल क्लियर होगा, फिर भी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि अगर n के ऊपर फैक्टोरियल है या m के ऊपर फैक्टोरियल है, और m कौन है, होल नंबर है, तो m फैक्टोरियल की वैल्यू होगी m m माइनस वन एम माइनस टू अप टू थ्री टू वन। जैसे मान लीजिए कि आपके पास लिखा है 4 फैक्टोरियल, तो 4 फैक्टोरियल की वैल्यू हो जाएगी 4 इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन, यानी 24 हो जाएगी वैल्यू। और अगर आपके पास लिखा है 1 फैक्टोरियल, तो 1 फैक्टोरियल की वैल्यू होगी 1। और सबसे इम्पॉर्टेंट है 0 फैक्टोरियल, याद रखिए कि 0 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 1, तो कीप दिस इन माइंड। और अगर आपको इसका प्रूफ चाहिए हो तो आप मेरा PNC वाला जो चैप्टर है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, उसका वीडियो ज़रूर देखिए, तो आपको ये सारी चीज़ें और
अच्छे से क्लियर होगी, जो रिलेटेड है आपकी फैक्टोरियल से और एनसीआर से रिलेटेड है। यहाँ हमें केवल फॉर्मूले से ज़्यादा मतलब है और आपको नोटेशन मैंने क्लियर कर दिया। ये कहलाती है दोस्तों आर प्लस वनथ टर्म। अब अगर मुझे एक्सपेंशन करना हो ए प्लस की जगह ए माइनस बी होल टू द पावर एन का एक्सपेंशन लिखा हो तो क्या करेंगे, देखिए। तो एक्सपेंशन में कोई खास काम करना नहीं है। अगर आपको a माइनस बी होल टू द पावर n का एक्सपेंशन करना है तो आप इसको ऐसा लिख दीजिए a प्लस माइनस बी होल टू द पावर n। तो जहाँ जहाँ पर b है वहाँ वहाँ माइनस बी आएगा। देखिए एन सी ज़ीरो ए टू द पावर n माइनस बी टू द पावर ज़ीरो, एन सी वन ए टू द पावर n माइनस वन माइनस बी टू द पावर वन, एन सी टू ए टू द पावर n माइनस टू माइनस बी होल स्क्वायर, अप टू कहाँ तक, लास्ट टर्म ही लिख देता हूँ मैं सीधे, एन सी एन ए टू द पावर जीरो माइनस बी टू द पावर एन। तो इसमें कोई खास ऐसी बात नहीं हुई। ये फर्स्ट टर्म क्या है देखिए आप, एन सी ज़ीरो ए टू द पावर एन, और ये माइनस बी टू द पावर जीरो है तो ये प्लस हो जाएगा माइनस वन टू द पावर जीरो। तो बी टू द पावर जीरो लिख सकते हैं या डायरेक्ट इसको यही लिख सकते हैं ए टू द पावर एन। अब यहाँ पे देखिए माइनस वन माइनस की पावर वन है तो यहाँ माइनस आ जाएगा तो ये जाएगा माइनस एन सी वन, फिर ये माइनस का स्क्वायर है, ये माइनस का स्क्वायर है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास प्लस, और यहाँ हो जाएगा एन सी टू ए टू द पावर एन माइनस टू बी स्क्वायर एंड सो ऑन। आखिरी की टर्म भी लिख सकते हैं आप एन सी एन ए टू द पावर जीरो, और यहाँ आ जाएगा आपके पास माइनस वन टू द पावर एन बी टू द पावर एन। तो कुछ टर्म प्लस की होंगी और कुछ टर्म माइनस की होंगी, इस तरह से ये एक्सपेंशन बनेगा। तो ये दोस्तों किसका एक्सपेंशन है आप ध्यान से समझ लें, ताकि इसका एक फॉर्मूला भी आपके काम आने वाला है। ये a माइनस बी होल टू द पावर n का एक्सपेंशन है। अब अगर आप इन दोनों को ऐड कर दो, ध्यान से देखिए आप इन दोनों को ऐड कर दिया, अगर आपने a प्लस बी होल टू द पावर n प्लस a माइनस बी होल टू द पावर n, तो आपके पास टर्म्स डबल होंगी, पर सारी डबल नहीं होंगी। ये देखिए ये डबल हो जाएंगी और ये कैंसिल हो जाएगी, ये इससे कैंसिल हो जाएगी और ये टर्म इसके डबल हो जाएगी। तो डबल कौन सी वाली होंगी, एन सी ज़ीरो ए टू द पावर एन बी टू द पावर ज़ीरो, एन सी टू ए टू द पावर एन माइनस टू बी स्क्वायर, फिर एन सी फोर आएगा ए टू द पावर एन माइनस फोर बी टू द पावर फोर एंड सो ऑन, आगे तक चलता जाएगा। और जब आप इसमें से इसको माइनस करेंगे तो देखिए क्या होने वाला है, तो जब आप माइनस करेंगे तो उल्टा हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा और ये डबल हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा आपका ट्वाइस एन सी वन ये डबल हो गई। तो यहां पे ऐसी टर्म आ गई आपके पास। तो ये भी एक्सपेंशन आपको ध्यान रखना है। तो a प्लस बी होल टू द पावर n, a माइनस बी होल टू द पावर n और इन दोनों का जो सम से आउटपुट आया है, ये सब आपको थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। फिर इसको यूज़ कैसे करेंगे मैं आपको सिखाता हूँ। अगर आपको ये प्लस वाला याद रखना हो तो देखो आप कैसा होता है, इसमें टू इंटू एन सी ज़ीरो एन सी टू एन सी फोर ऐसा लिखा रहता है, तो आप इसको इस तरीके से याद रख सकते हैं टू इंटू ई वन, और इस वाले को आप ऐसे याद रख सकते हो टू इंटू ऑड। ऑड यानी क्या होगा, एन सी वन आएगा एन सी थ्री आएगा एन सी फाइव आएगा और इस तरह से आगे चलता जाएगा। अब एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास कि एक्सपांड 1 माइनस टू एक्स होल टू द पावर 5। एक्सरसाइज है 8.1 बाइनोमियल पे बेस्ड एनसीईआरटी की, और क्वेश्चन है 1 माइनस टू एक्स टू द पावर 5 का एक्सपेंशन हमें करना है। तो आप देखिए इसमें अल्टरनेट आएगी प्लस माइनस, तो इस तरीके से होगा इसका एक्सपेंशन 5 सी 0 1 टू द पावर 5, क्योंकि n क्या है यहाँ पर, ये n है, ये a है और ये b है, प्लस सॉरी इंटू माइनस टू, चाहेंगे तो अपन सेकेंड वाला अगर डायरेक्ट लगाएंगे तो प्लस माइनस आएगा
फिर ए की वैल्यू कितनी होगी उस केस में, ए की वैल्यू 1 होगी और बी की कितनी होगी 2x, माइनस 2x नहीं, बी की 2x। जब हम सेकेंड वाला फार्मूला लगा रहे हैं, ये वाला फार्मूला देखिए आप, ए माइनस बी होल टू द पावर एन का 5c1, 1 टू द पावर 5 माइनस 1, ये फार्मूला लगा रहे हैं, n की जगह देखिए क्या लिखा है 5, और बाकी सब कुछ वही है, a और b की वैल्यू है, और यहाँ पे आएगा 2x टू द पावर 1, 5c2, 1 टू द पावर 5 माइनस 2, 2x टू द पावर 2, फिर माइनस 5c3, 1 टू द पावर 5 माइनस 3, 2x टू द पावर 3, फिर आपके पास टर्म आएगी आपके पास 5c4, 1 टू द पावर 5 माइनस 4, 2x टू द पावर 4 माइनस 5c5, 1 टू द पावर 5 माइनस 5। जब ये ख़त्म हो जाए 5 माइनस 5 जीरो आ जाए तो बस यहीं पे रुक जाना है आपको, और 2x टू द पावर कितना हो जाएगा आपके पास, 2x टू द पावर 0 हो जाएगा, ओ सॉरी 5 हो जाएगा, 2x टू द पावर क्या हो जाएगा आपके पास 5 हो जाएगा। अब 5c0, 5c1 ये जो चीज़ें हैं इनकी वैल्यूज़ निकालनी होंगी हमें, 5c0, 5c1, 5c2 इन सब की वैल्यूज़ होती हैं, तो अगर आपने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ा है तो इनकी वैल्यू बिल्कुल आप आसानी से निकाल सकते हैं, फिर भी अगर आपने नहीं पढ़ा तो आप फार्मूला कैसे लगाएंगे, तो आपको मैं फार्मूला बताता हूँ। NCR का वैल्यू है n फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल r फैक्टोरियल, तो इसके बेसिस पे आप 5C0 की वैल्यू निकाल सकते हैं, 5C0 की वैल्यू हो जाएगी आपकी 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 0 फैक्टोरियल इंटू 0 फैक्टोरियल, ये इससे कैंसिल हो गया, मैंने आपको बता रखा है 0 फैक्टोरियल 1 होता है, तो ये होता है 1, तो 5C0 का वैल्यू कितना आ गया आपके पास दोस्तों, 5C0 का वैल्यू आ गया आपके पास 1। अब अगर 5C2 निकालना है तो 5 फैक्टोरियल अपॉन, यहाँ पर इस फॉर्मूले में रख दें 5 माइनस 2 इंटू 2 फैक्टोरियल, तो ये हो जाएगा 5 फैक्टोरियल का वैल्यू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 अपॉन में 5 माइनस 2, 5 माइनस 2 का मतलब 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल का वैल्यू 3 इंटू 2 इंटू 1 और 2 फैक्टोरियल का वैल्यू है 2 इंटू 1, तो ये 3 टू 1 से कैंसिल हो गए, ये 2 इससे कैंसिल हो गया, तो ये आ गया आपके पास 10। अब मैं आपको सलाह देता हूँ कि आप 5C3 का खुद निकालिएगा, 5C3 वैल्यू भी 10 ही आएगी और 5C4 की वैल्यू भी कितनी आएगी, 5C4 की 5 आएगी और 5C5 की 1 आएगी। इसके लिए अगर आपको मैं, अगर आपने परम्यूटेशन नहीं पढ़ा तो मैं आपको कुछ इम्पॉर्टेंट बातें भी बोल देता हूँ, तो आपके ध्यान में रहेगी, तब आप इसका एक्सपेंशन लिख पाएंगे। देखिए पहली चीज कि NC0 और NCN का वैल्यू 1 होता है, नंबर 1 फॉर्मूले से आप प्रूव कर सकते हैं। दूसरी बात है NCR होता है NCN माइनस R, ये भी एक रिजल्ट है, और आपको दूसरी बात है कि NC, ध्यान से सुने, आपके पास अगर ऐसा लिखा है जैसे मैंने आपको बताया ना कि 5C2 का वैल्यू कितना है 10 है, तो अगर इसमें आपने ये लगा दिया 5C2, यहाँ 5 रख दिया, यहाँ C रख दिया, यहाँ 2 रख दिया, और ये हो जाएगा 5C5 माइनस 2, तो 5C5 माइनस 2 कितना हो जाएगा 5C3। इसीलिए ये टॉपिक परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के बाद में पढ़ना चाहिए, पर कभी कभी आप पहले पढ़ते हैं तो मैं आपको दिक्कत नहीं है, इसके लिए मैं आपको समझा रहा हूँ। और 5C1 की वैल्यू कितनी होगी, 5C5 माइनस 1, तो ये हो जाएगी 5C4 हो जाएगी, तो ये इनकी वैल्यूज़ निकालने के आसान तरीके हैं। तो अभी मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ, फिर अगली प्रॉब्लम आएगी तो हम आगे और देखेंगे, डिस्कस करते हैं। देखिए 5C0 का वैल्यू कितना आया था, 1 आया था, ये 1 टू द पावर 1 5 है, 1 हो गया, ये भी होल टू द पावर 0 है, 1 हो गया। 5C1 की वैल्यू है 5 और 1 टू द पावर 4 1 इंटू 2x। 5C2 की वैल्यू आपने देखी होगी, मैंने निकाली थी, तो इसकी वैल्यू थी 10, 2x टू द पावर 4 यानी 4x, 2x टू द पावर 4 स्क्वायर है, 2 है तो 4x स्क्वायर, तो आ जाएगा 10 इंटू 4x स्क्वायर। 5C3 की वैल्यू आपने देखी, वो भी 10 है,
और 2x क्यूब है तो 10 इंटू 8x क्यूब। 5c 4 की वैल्यू होती है 5, 2x टू द पावर 4 16x टू द पावर 4 माइनस 5c 5 की वैल्यू 1 32 एक्स टू द पावर 5। तो ये इसका आंसर है दोस्तों। अब इसको कैलकुलेट करना है, बाकी कुछ खास इसमें बचा नहीं। इसके लिए एक पास्कल ट्रायंगल भी है, आपको टीचर्स भी बता सकते हैं। मैंने भी एक पास्कल ट्रायंगल का वीडियो बनाया है जिसमें आप एक्सपेंशन देख सकते हैं, लेकिन वो इतना यूजफुल नहीं है यहाँ के लिए, क्योंकि क्लास 11 में आपको इसका एक्सपेंशन आना चाहिए। अब मैं दूसरा केस है, उसमें भी पावर 5 है। तीसरा केस है 2x माइनस 3 टू द पावर 6, तो मैं वो लेता हूँ तो आपको और सीखने को मिलेगा। सेकेंड वाले एक्सपेंशन में पावर 5 है तो मैं थर्ड केस लेता हूँ 2x माइनस 3 टू द पावर 6। तो इसका एक्सपेंशन कैसे होगा, 6c0 2x टू द पावर 6 3 टू द पावर 0 माइनस 6c1 2x टू द पावर 6 में से एक कम हो जाएगा 5, 3 की पावर बढ़ जाएगी, प्लस माइनस अल्टरनेट, प्लस 6c2 2x टू द पावर 6 माइनस 2 4 3 टू द पावर 2 6c3 2x टू द पावर 5 3 टू द पावर सॉरी कम होगी इसकी 3 हो जाएगी और ये 3 इंटू 3 क्यूब। अगली टर्म आएगी आपके पास प्लस 6c4 2x टू द पावर 2 3 टू द पावर 4 माइनस 6c5 2x टू द पावर 1 इंटू 3 टू द पावर 5 प्लस 6c6 2x टू द पावर 0 3 टू द पावर 6। ये इसका दोस्तों एक्सपेंशन है। यूजिंग कौन सा फार्मूला यूज किया मैंने, जो a माइनस बी टू द पावर n के लिए लगा था, a की जगह 2x लिखा है, b की जगह 3 लिखा है, और ये इसका एक्सपेंशन कर दिया। तो देखें आप 6c0, मेरी बात सुने आप ध्यान से, nc0 की वैल्यू ncn की वैल्यू क्या होती है 1। अब इसकी भी वैल्यू 1 हो गई और आखिरी वाले की भी वैल्यू 1 हो गई फॉर्मूले से, लेकिन आपको बार बार फॉर्मूला लगाना इस एक्सपेंशन में थोड़ा सा मुश्किल लगेगा। तो मैं आपको एक और ट्रिक भी बताता हूँ, तो वो ट्रिक भी आप ध्यान से सुन लें। ये 2x टू द पावर 6 है तो 2 टू द पावर 6 तो निकाल लें पहले आप, तो 2 टू द पावर 6 आएगा आपका 64 आएगा और x टू द पावर 6 आ गया माइनस 6c1 है। तो आप तरीका तो एक है कि फॉर्मूला लगाएं डायरेक्ट, या मेरी बात समझें आप, 6c1 का वैल्यू निकालने का मैं तरीका सिखा देता हूँ तो वो हमेशा काम आएगा। 6c1 6c2 6c3 इनकी वैल्यू सबकी निकालना, तो 6 से चालू करेंगे और एक स्टेप तक बढ़ेंगे, तो एक स्टेप मतलब ये खुद ही हो गया, अपॉन में 1 लिखा है तो 1 फैक्टोरियल, तो 1 फैक्टोरियल इज 1। जैसे इसमें देखो आप 6 से चालू करके दो कदम डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाना, 6 के बाद नेक्स्ट डिक्रीजिंग वैल्यू होगी 5 और 2 लिखा है तो 2 फैक्टोरियल। 6c3 देखो आप, तो 6 से चालू करो और 3 स्टेप नीचे जाना है आपको, 6 के बाद आएगा 5, 5 के बाद आएगा 4 और अपॉन में लिखा है 3 इंटू 2 इंटू 1। तो इससे जो फॉर्मूले वाली वैल्यू है वही वैल्यू इससे भी आती है, तो ये आप इससे भी निकाल सकते हैं। ये इससे कैंसिल कर देना तो ये आ जाएगा आपका 20, ये इससे कैंसिल कर दिया तो ये आपका आ गया 15। 6c4 की निकालना हो तो 6c4 की भी निकाल सकते हैं आप, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 अपॉन में 4 फैक्टोरियल। ये 6c4 यहाँ 4 लिखा है ना, इसलिए हम 4 उसमें गए, 4 स्टेप, फर्स्ट स्टेप और नीचे की तरफ जाना है, 6 के बाद की 5 और उससे कम 4, उससे कम 3 और टोटल देखो 1 2 3 4, 4 स्टेप तक जाना है आपको। अब ये लिखा है 4 3 2 1, तो ये 4 3 से 4 3 कैंसिल हो गया और 2 से ये कैंसिल हो गया, तो ये कितना आ जाएगा आपका 15 आ जाएगा। और जैसा मैंने आपको एक रिजल्ट बताया था वो रिजल्ट भी आप ध्यान रखिए, NCR की वैल्यू किसके बराबर होती है,
एन सी एन माइनस आर के बराबर होती, इसीलिए 6C2 की वैल्यू किसके बराबर होगी, 6C6-2 मतलब 6C4 के बराबर होगी। अगर 6C1 लिखा है, क्या लिखा है 6C1, तो 6C1 ये लिखा हुआ है, इसकी वैल्यू इसके बराबर होगी 6C6-1 5, तो 6C5 की वैल्यू 6 होगी। आप ऐसे भी निकाल सकते हो और ऐसे आपको अगर आ जाएगा तो बहुत अच्छा होगा। तो होपफुली मैंने आपको समझा दिया, फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, मेरा व्हाट्सअप नंबर भी आपको बता रखा है मैंने, ये नंबर है, आपने अगर पिछले वीडियो देखे होंगे तो नंबर आपके पास ज़रूर होगा, नहीं देखे तो ये आप मेरा नंबर ले लें और इस पर व्हाट्सअप कर दें, कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख दें। देखिए तो ये आगे आपका, अब वैल्यू कैलकुलेट करना अब आपके लिए आसान हो गया, 6C1 है तो 6 upon 1 2 to the power 5 यानी 32, x to the power 5 इंटू कितना है 3, प्लस यहाँ पर 6C2 है तो 6 into 5, दो कदम जाइए आप डिक्रीजिंग ऑर्डर में, 1, 2, और 2 लिखा तो 2 factorial 2 into 1 2 to the power 4 यानी 16, x to the power 4 into 9 -6C3, तो 6C3 कैसे लिखेंगे, 6 into 5 into 4, 3 कदम तक जाना, 1, 2, 3, फिर इसके बाद क्या आ जाएगा 3 to 1, 2 to the power क्या है उसमें 3, x to the power 3 into 3³ कैंसिल कर देंगे बाद में, प्लस 6C4, 6C4 का वैल्यू वही होगा जो 6C2 का होगा, तो अगर आपने यहाँ कैलकुलेट कर लिया है 15, तो डायरेक्ट 15 लिख दें, 2 to the power 4, 2 to the power 2 4, x² 3 to the power 4 81 -6C5, तो 6C1 और 6C5 का वैल्यू सेम ही होता है, तो ये भी 6 ही आएगा, ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं। और अगर ऐसे जाना है 6 से चालू करके 5 कदम नीचे 6, 5, 4, 3, 2 और अपॉन में 5 फैक्टोरियल लिखना है, तो भी उससे वैल्यू वही आएगी, इंटू 2 इंटू एक्स और 3 to the power 5, 3 to the power 5 आपका हो जाएगा 243 होता है, प्लस 6C6, तो 6C6 समझ लो आप कि 6C0 6C6 1 होता है। इस पे आप फॉर्मूला लगा लो आप NC0 में, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 0 फैक्टोरियल, ये कट गया तो ये हमेशा 1 आएगा, 0 फैक्टोरियल का वैल्यू 1 होता है, इसलिए इसमें आप दिमाग खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। ये आखिरी वाली चीज़ है आपकी, 6C6 होता है 1, तो यहाँ लिख दिया 1, 2x to the power 0 1, 3 to the power 6, ये आपका, ये देखिए कितना हो गया आपका 729 होता है मेरे ख्याल से, ये तो 3 to the power 6 729 होगा। अब आप चाहें तो कैलकुलेट कर लें, सारी वैल्यूज कैलकुलेट कर लेंगे तो यू विल गेट द आंसर, जैसे आप करोगे वैसे ही मैं कैलकुलेट करूँगा, तो आई विल नॉट बी टेकिंग योर मच टाइम। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, आसान सा तरीका है सारा कुछ करने का, सिंप्लीफाई करने का। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 है जिसमें फिर पावर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 है जिसमें फिर पावर 6 है, अब क्वेश्चन नंबर आपके पास 6 है जिसमें आपको 96 to the power 3 का 3 का वैल्यू कैलकुलेट करना है यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम। 96 to the power 3 का, वैसे तो 96 into 96 into 96 कर सकते हैं आप, पर 96 तो इसको आप क्या लिख दें, 100 minus 4 to the power 3। अब ये माइनस भी होल क्यूब नहीं लगाना आपको, बाइनोमियल लगाना है, 3C0, 100 to the power कितना हो जाएगा आपके पास 3, 4 to the power 0, प्लस माइनस अल्टरनेट फार्मूला आप देख लीजिएगा, ए माइनस बी होल टू द पावर एन का, तो ये हो जाएगा 3C0, 100 to the power 3, 4 to the power 0, फिर अगला क्या हो जाएगा आपका 3C1, 100 to the power 3 minus 1, 4 to the power 1, फिर आपका हो जाएगा 3C2, 100 to the power, एक और कम हो जाएगी 3 minus, ये this माइनस this यहाँ पे आता है 1, और 4 to the power 2, फिर आपका हो जाएगा माइनस
100 टू द पावर 0 और 4 टू द पावर 3, ये इसका एक्सपेंशन हो गया। अब इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो इसकी वैल्यू जैसे मैंने आपको बताया NC01 होता है तो ये 1 हो गया। अब ये कितना लिखा हुआ है आपके पास, ये लिखा है 100 टू द पावर 3, तो आपको देखो कि और कितने जीरो आने वाले हैं, तो आपके पास टोटल ये 2 हैं और ये 3 हैं, तो 6 जीरोज आएंगे, ये आपके 6 जीरोज हो गए। माइनस 3C1, तो 3/1, 3 से चालू करना, एक कदम जाना, तो 3 ओनली अपॉन 1, 1 फैक्टोरियल, और 100 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 100 मतलब 10,000 इंटू 4 प्लस 3C2, 3C2 और 3C1 का वैल्यू वही होगा, क्योंकि वो फॉर्मूला जो है ना NCR इज इक्वल टू क्या होता है NCN-R, तो 3C1 और 3C3-1 यानी 3C2 दोनों की वैल्यू सेम होगी, तो ये वैल्यू होगी आपके पास 3, जब ये 3 है तो ये भी 3 होगी। और आप उससे भी कर सकते हैं जो मैंने बताया, बार बार इसलिए मैं कर रहा हूँ कि ताकि आपको कॉन्फिडेंस आए, 3 से चालू करके 2 कदम, 3×2 अपॉन में 2×1, ये 2 से 2 कैंसिल, 100×4² ये हो जाएगा आपका 4×4=16, माइनस ये 3C3 का वैल्यू 1, NCN का वैल्यू 1 होता है ना, 3C3 का वैल्यू 1, इसकी पावर 0, 1×64। अब आप देख लें कि आपके पास क्या कैलकुलेशन है, तो ये आपके हो जाएगा 3 × 4=12, ये आ जाएगा आपका 3×4=12 प्लस 16×3=48, 4800 − 64। तो अब मैं छोड़ सकता हूँ मेरे ख्याल से आपके भरोसे पे, क्योंकि अब ये मात्र कैलकुलेशन है, तो कैलकुलेशन इज़ अप टू यू, यू में कैलकुलेट इट, आप अगर और वेरीफाई करना चाहें तो यू कैन यूज़ कैलकुलेटर, तो कैलकुलेटर से भी आप वेरीफाई कर सकते हैं कि इसका आंसर सही निकाला है मैंने कि नहीं निकाला है। और अब आपके पास है 102 to the power 5 है question number 7, और question number 8 है 101 to the power 4। तो उस 7th वाले क्वेश्चन को, सॉरी 8th वाले क्वेश्चन को देखते हैं, 101 to the power 4, 101 to the power 4, तो 101 to the power 4 को आप ऐसा लिख सकते हैं 100 + 1 to the power 4। अब इसका एक्सपेंशन करेंगे तो 4C0, 100 to the power 4, 1 to the power 0, 4C1, 100 to the power 3, 4−1, और ये 1 to the power 3, 4C2, 100 to the power 2, 1 to the power 2, 4C3, 100 to the power 1, 1 to the power 3, और आखिरी की टर्म आएगी 4C4, 100 to the power 0, और 1 to the power 4। अब केवल कैलकुलेशन है, देखो NC0 का वैल्यू मैंने आपको बता दिया है, NC0 आप ध्यान रखें, NC0 NCN इनकी वैल्यू 1, तो 4C0 और 4C4 की वैल्यू 1, ये हो जाएगा 100 टू द पावर कितना है 4 है, तो ये 00 4 टाइम्स आ जाएंगे, ये आ गए प्लस 4C1, तो 4 से चालू करके एक कदम, 4C1 यानी 4, और ये आ जाएगा आपका 4C2, 4C2 की वैल्यू 6 आती है, आप चाहे तो कैलकुलेट करके देख लें, तो 6×100 प्लस 4C3, 4C3 का वैल्यू वही आएगा जो 4C1 का है, तो 4 ही आएगा इसका वैल्यू, और × 100 × 1, और 4C4 का वैल्यू होगा 1, और ये सब कुछ 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, तो सब कुछ 1 है। अब आप इसको कैलकुलेट करें तो ऐसे लिख लें इसको, ये आपके पास 00 ऑक्टा है, ये ऑक्टा 80 है, और ये कितना आ गया आपके पास, ये आ गया आपके पास 00 कितने आपके पास हेक्सा, ये यहां से लिख दें आप
और ये आ गया आपका 4, वो कितना आ गया आपके पास, ये देखिए, ये आपके पास आ गया 6 क्वाड्रा 0, तो क्वाड्रा 0 ये हो गए और यहाँ पे 6 हो गया और वो हो गया 400, तो ये हो गया आपका 400 और आखिरी की वैल्यू है आपकी 1। अगर आप इन सबको ऐड कर दो तो ये एडिशन आसान है एकदम से, मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, तो ये आप ऐड कर दो तो यहाँ जाएगा 1 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 0, यहाँ आ जाएगा 1 आएगा और यहाँ पर आएगा आपके पास 0, यहाँ आ जाएगा 4, यहाँ आ जाएगा 0, 6, 0, 4, 0, 1, ये आपका कैलकुलेशन है। तो ये आपका आंसर आ गया है 1040 60 401। ये था दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 9 भी ऑलमोस्ट सेम है, 99 to the power 5 है, तो 99 to the power 5 है तो उसको आप लिख सकते हो 100 - 1 to the power 5, और अब एक उसके बाद एक्सपांशन कर सकते हो। तो ये 9th था जिसमें खाली एक्सपांशन पे बात हुई थी। अब क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 10 दसवें नंबर का सवाल है दोस्तों, जिसमें आपसे ये पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज बिगर, 1.1 to the power 10,000 or 1,000, विच वन इज बिगर, 1.1 to the power 10,000 or 1,000, इसमें से बिगर छांटना है, विच वन इज बिगर, बिगर इन दोनों में से बड़ा कौन है। तो आप इसको ले लो 1.1 to the power, चिंता बिल्कुल मत करो, ये हो गया, इसको आप ऐसा लिख लो 1 + 0.1 to the power 10,000, और इसका एक्सपेंशन लिखना चालू कर दो तो लिख दो 10,000, ज्यादा नहीं लिखना है आपको, चिंता मत करो कि 10,000 है तो बहुत बड़ा एक्सपेंशन आएगा, 10,000 C0 1 to the power 10,000 0.1 to the power 0, 10,000 C1 1 to the power 10,000 में से 1 कम कर दो तो ये हो जाएगा क्वाड्रा 9 और 0.1 to the power 1, नीचे लिख देता हूं मैं अच्छे से, प्लस 10,000 C1 1 to the power quadra 9 0.1 to the power 1 plus 10,000 C2 1 to the power 10,000 - 2 999 और 0.1 square and so on, ये चलता रहेगा, आखिरी की आप लिखने की जरूरत नहीं है। देखिए NC0 का वैल्यू 1 होता तो ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया और इसकी पावर 0 है, तो पावर 0 है तो बीइंग 0 पावर ये भी 1 हो गया, तो ये सब मिला के 1 हो गया। 10,000 C1 की वैल्यू होगी 10,000, एक ही कदम जाना है आपको, अपॉन में 1, 1 की पावर क्वाड्रा 9 1 0.1 प्लस, अब जो भी यहां से लेके यहां तक बच रहा है सब कुछ क्या वैल्यू बच रही है, पॉजिटिव वैल्यू, उसको छोड़ दो आप, क्यों देखो आप, क्योंकि आपके पास आ गया है 1 प्लस। अब अगर 10,000 से 0.1 को माइनस इनटू करोगे, 0.1 को इनटू करोगे तो 10,000 इनटू 0.1 हो जाएगा आपका 1,000, 1,000 प्लस पॉजिटिव वैल्यू, तो देखिए आपके पास क्या आ गया, आपके पास आ गया ये वाली जो वैल्यू है ये किससे बड़ी है, 1,000 से बड़ी है ना, ये इट इज़ ग्रेटर देन 1,000, क्योंकि ये दो मिला के ही 1,000 से ज़्यादा हो गए और बचा हुआ भी पॉजिटिव है, तो इसका मतलब ये क्या है कि विच वन इज बिगर, इसका मतलब है दिस नंबर इज बिगर देन दिस, ये नंबर आपका 1,000 से बड़ा होगा। अब आपके पास है क्वेश्चन नंबर 11 जिसमें आपको एक्सपेंशन करना है a प्लस बी होल टू द पावर 4 माइनस a माइनस बी टू द पावर 4 की वैल्यू निकालनी है, a प्लस
बी टू द पावर 4 माइनस ए माइनस बी टू द पावर 4 का वैल्यू निकालना है। तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए आप इस पे भी फॉर्मूला लगाओ, इस पे भी लगाओ, और आप लगाओगे तो वही जो आउटकम मैंने लिखा था, 2 इंटू ऑड वाला आउटकम, 2 इंटू ऑड वाला, क्योंकि a प्लस बी टू द पावर n माइनस ए माइनस बी टू द पावर n है। पर इस क्वेश्चन में आपको उस आउटकम को डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते, तो इसके लिए इसको निकालना भी पड़ेगा आपको। तो देखिए a प्लस बी होल टू द पावर 4 क्या होगा, 4c0, 4c1, अब हम थोड़ी तेज लिख सकते हैं, 4c, ये a प्लस बी होल टू द पावर 4 का, अब इसका लिख दीजिए a माइनस बी होल टू द पावर 4 का, अब इसमें देखिए कैंसिल कौन कौन से होंगे, वही जैसे पहले मैंने बताए थे वो कैंसिल हो जाएंगे, ये माइनस है तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, और ये माइनस वाले जितने थे ये माइनस मल्टीप्लाई करके उसको प्लस करके डबल कर देंगे, तो क्या हो जाएगा आपके पास, 2 इंटू 4c1 ए क्यूब बी, 4c3 ए बी क्यूब। ओके, तो अब आपके पास दो ही टर्म आई है, 4c1 और 4c3, तो ये और अच्छी बात हो गई कि 4c1 a क्यूब बी और 4c3 ए बी क्यूब। 4c1 का वैल्यू होता है, आप निकाल सकते हैं 4/1, क्योंकि 4 से चालू करके एक कदम जाना है, a क्यूब बी, और ये वाला जो वैल्यू है ये देखिए क्या होगा आपका, ये वाला वैल्यू 4c3, 4c3 एंड 4c1 आर सेम, तो ये भी वैल्यू 4 हो जाएगा, ये हो गया आपका ए बी क्यूब। तो अगर 4 कॉमन ले लेंगे तो आप आ जाएगा, या आप ए बी भी कॉमन ले सकते हैं, तो अगर ए बी भी कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 8 ए बी, यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आपसे पूछा है कि फाइंड एक्सपेंशन ऑफ दिस, तो इसका एक्सपेंशन तो ये आ गया, इसके बाद वैल्यू कैलकुलेट करना है आपको, √3 प्लस √2 टू द पावर 4, देयरफॉर ध्यान से देखिए आप, √3 इस रिजल्ट को यूज करके, √3 प्लस √2 टू द पावर 4 माइनस √3 माइनस √2 टू द पावर 4, इसकी वैल्यू के लिए a और b की जगह क्या रखेंगे, a की जगह √3 और b की जगह √2, तो ये आ जाएगा आपके पास 8 इंटू √3 इंटू √2 ब्रैकेट में आ जाएगा √3 स्क्वायर प्लस √2 स्क्वायर, √3 स्क्वायर इज 3, √2 स्क्वायर इज 2, 3 प्लस 2 कितना होगा 5, अगर 8 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 40, ये आ जाएगा 4040, और √3 इंटू √2 हो जाएगा आपका √6। तो ये दोस्तों इसका एक्सपेंशन है, क्या एक्सपेंशन है इसका, 40 इंटू √6। अब आपको जो 12th क्वेश्चन है उसमें यहाँ माइनस की जगह प्लस लिखा हुआ है, तो जो मैंने पहले शुरू में स्टार्टिंग में एक्सपेंशन बताया था आपको, a प्लस बी टू द पावर n प्लस a माइनस बी टू द पावर n, उसके जैसा एक्सपेंशन आप कर देंगे तो वो भी क्वेश्चन आपको इजीली हैप्पीली आ जाएगा। तो दैट इज क्वेश्चन नंबर 12, वो क्वेश्चन नंबर 12 है। अब आप क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ मूव करो, अगर इन केस इफ यू फाइंड एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम डिफिकल्टी डाउट यू जस्ट लेट मी नो, आप तुरंत मुझे बताएंगे तो मैं आपकी पूरी मदद कर दूंगा, पर आप एटलीस्ट उसे ट्राई करें और कोशिश करें कि आपको वो आ जाए। इससे पहले अगर आप परम्यूटेशन का वीडियो देख लेंगे कॉम्बिनेशन का, तो ये जो आपको फैक्टोरियल की भी छोटी मोटी प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। अब आपको ये बताना है कि 9 टू द पावर n प्लस 1 माइनस 8n माइनस 9, 9 टू द पावर n प्लस 1 माइनस 8n माइनस 9 इज डिविजिबल बाय 64, इज डिविजिबल बाय 64। ये क्वेश्चन आपने परम्यूटेशन उसमें इंडक्शन में भी देखा होगा,
पर यहाँ इंडक्शन का यूज नहीं करना है, यहाँ यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम लिखा हुई है इसमें कि यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम प्रूव दैट दिस इज डिविजिबल बाय 64. तो 9 को आप लिख सकते हो 1+8^n+1 -8n-9. अब इसका एक्सपेंशन देखिए आप, n+1 c0 1^n+1 (8^0). अगला n+1 c1 1 की पावर कम होती जाएगी. और n+1 क्यों लिया है यहाँ पर, क्योंकि हम n की जगह हमारे पास n+1 है, तो इससे कम होगी तो n हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 8^1. फिर क्या होगा, n+1 c2 1^n-1 (8^2), n+1 c3 1^n-2 (8^3) + एंड सो ऑन, और चलता ही रहेगा ये प्रोसेस. ठीक है, हम आखिरी वाला नहीं लिख रहे. और इसमें से माइनस क्या करना है दोस्तों, इसमें से माइनस आपको करना है 8n-9. तो ध्यान से सुनिए, n+1 c0 इसकी वैल्यू होती है 1, इसकी भी वैल्यू 1, क्योंकि 1 की कोई भी पावर हो 1, 8^0 1, सब कुछ 1 × 1 × 1. n+1 c1 n+1 से चालू करना, एक कदम बढ़ना, तो यही एक कदम है, आगे जाना ही नहीं है. इंटू कितना हो गया आपके पास, 8, ये लिख दिया मैंने 8 प्लस. अब आप आगे से देखो, यहां से आगे से देखना चालू करो, आपके पास क्या कॉमन आ रहा है इसमें से, इसमें से आपके पास आ रहा है 8^2 कॉमन. तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, ब्रैकेट में बचेगा n+1 c2 1 की पावर व्हाटसोएवर इट इज 1, तो भूल जाएं आप, 8^2 कॉमन ले लिया तो कुछ भी नहीं बचेगा, n+1 c3 आएगा, here it should be 3 n+1 c3 और 1 की पावर तो ये 1 हो गया, इसमें (8) बचेगा. फिर अगला वाला होगा तो n+1 c4 (8^2 बचेगा. ये देखिए सारे मैंने क्या कर दिए, कॉमन ले लिए इसमें से 8^2, ब्रैकेट क्या हो गया मेरा, ये ब्रैकेट दोस्तों देखिए क्लोज हो गया, माइनस 8n-9. तो अब आपको मैं बताता हूं कि अगर आप इसको ध्यान से देखो तो ये क्या लिखा हुआ है. पहला काम आपका हो गया लगभग, आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाएं. देखिए जो ये आपका पहला लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, 1 प्लस, इसको ओपन कर लें तो ये हो जाएगा 8n प्लस कितना हो जाएगा 8, तो ये 1+8 कितना हो जाएगा आपका 9. तो ये 1, ध्यान से देखें, ये 1 और ये 8 × 1, ये किसको कैंसिल कर देगा, 9 को कर देगा. क्यों, 1 प्लस ये क्या लिखा हुआ है 8n+8, 8+1 9, इसको कैंसिल, 8 × n, ये 8 × n, ये 8 × n को क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा. तो आपके पास क्या बचा, आपके पास बचा ये इज इक्वल टू, ये 8^2 इज व्हाट, 64 इंटू ये जो भी वैल्यू है व्हाटसो एवर इट इज, ये कैसी वैल्यू है, ये पॉजिटिव इंटीजर है, ये कैसी वैल्यू है, पॉजिटिव इंटीजर है. देयर फोर इसलिए 9^n+1 -8n-9 डिविजिबल किससे हो गया, 64 इंटू समथिंग है ना, इज डिविजिबल बाय 64. तो ये 64 से डिविजिबल हो गया. इसी तरीके से मैं एक क्वेश्चन आपको और दे सकता हूं, तो वो आप सेल्फ ट्राई कर लें कि 5^n -4n-1 इज डिविजिबल बाय 16. तो बहुत सिंपल है, आप खुद ट्राई करना, 5 को लिख लेना 1+4, 1+4^n लिख करके करेंगे तो ये भी आपका काम हो जाएगा. अब दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर है 13, और आप अपनी एक्सरसाइज ट्राई करिएगा, एक्सरसाइज 8.1 NCERT की, तो यू विल फील मोर कॉन्फिडेंट
आप और ज़्यादा कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 है वो। आर इज इक्वल टू जीरो टू एन और 3 to the power आर है एनसीआर इज इक्वल टू, हमको प्रूव करना है 4 to the power एन। तो इसमें कोई खास बात है नहीं, लेफ्ट हैंड साइड ले लें आप, आर की जगह जीरो रख दें, 3 to the power 0 एन सी जीरो, फिर रख दें 1, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था 3 to the power 1 एन सी 1, 3 to the power 2 NC 2, ऐसे करते करते आखिरी का आपका आएगा 3 to the power एन एन सी एन। ठीक है, अब इसको क्या लिख सकेंगे आप, तो इसको लिखना है आपको, ध्यान से सुनिए। अगर आप इसको, अब राइट साइड से भी मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ, राइट हैंड साइड जो लिखी हुई है आपके पास वो 4 to the power n लिखी हुई है, 4 to the power n इज राइट हैंड साइड। ठीक, अब 4 to the power n को क्या लिख सकते हो आप, 1 plus 3 to the power n लिख सकते हो, और 1 plus 3 to the power n का एक्सपेंशन क्या होगा वो मैं यहां लिख देता हूं, क्या होगा आप वो फॉर्मूला लगा दें, एन सी जीरो 1 to the power n 3 to the power 0 एन सी 1 1 to the power n-1 3 to the power 1 एन सी 2 1 to the power n-2 3 square एन सी एन 1 to the power n-1 into 3 to the power n। तो आप देखो ये दोनों में कोई डिफरेंस है क्या, इज देयर एनी डिफरेंस, कोई डिफरेंस नहीं है। इसको यहां लिख दिया एन सी 0 3 to the power 0 और बीच में क्या इंट्रोड्यूस कर दिया, अगली स्टेप में 1 to the power n इंट्रोड्यूस कर दिया, 1 to the power n क्या होता है into 1, तो लिख सकते हैं ऐसा, नो हार्म इन राइटिंग सच अ वे, इस तरीके से लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। इसमें 1 to the power n-1 लिख दीजिएगा अगली स्टेप में, इसको ऐसा लिख दिया एन सी 2 3 square एन सी एन 3 to the power n। ये जो भी लिखा हुआ है यहां ध्यान से देखें आप, ये 1 की पावर जो भी लिखा हुआ है, ये है तो into 1, तो इसको लिखने से कोई दिक्कत आएगी नहीं। अब आप सोचो कि इसको ऐसा लिख सकते हैं, इसको ऐसा लिख सकते हैं, दिस कैन बी रिप्रेजेंटेड लाइक दिस, और इसको ऐसा लिख सकते हैं, उसको ऐसा, और RHS आ गया, तो हेंस इट इज प्रूव्ड। फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो अगेन आई एम राइटिंग माई व्हाट्सएप नंबर, यू कैन व्हाट्सएप एट दिस नंबर, व्हाट्सएप करें, अपनी बात लिखें और प्रॉब्लम बताएं। चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, दोस्तों के साथ बात करें, इसे आगे बढ़ा दें, मेरी बेस्ट विशेस हैं, आप खूब आगे बढ़ें, देश आगे बढ़े, ऑल द बेस्ट।